चलो मुर्गा बनो। मुर्गा बनना भी नहीं आता, इसको ऐसे लो यहाँ से और कान नीचे झुक के तरफ कान को पकड़ो। इस तरीके से मुर्गा बन के 10 कदम चलने के वो फायदे होंगे जो 70 बीमारियों को दूर करते हैं। आपने स्कूल में भी नहीं पढ़ा होगा, हम आपको बताएंगे कैसे सही तरीके से मुर्गा बना जाता है और कैसे इस मुर्गे की तरह चला जाता है। जैसे आप देख रहे हो कि मुर्गा बनते हैं तो ध्यान रखना है कि हमारा हिप एरिया जो है वो ऊंचा रहना चाहिए, कानों को हमें कस के पकड़ना है, कान छूटने नहीं चाहिए। जब आप कान पकड़ोगे इस तरीके से तो आपका क्या होगा, ये जो एरिया कब आएगा आपका खिंचाव, तो ये हम ऑरिकुलोथेरेपी में ब्रेन का पार्ट है। तो ब्रेन जब एक्टिवेट होता है तो हमारा CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा। और आप ये देख रहे हो जो स्पाइन है पूरी तरीके से सीधी हो गई है, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो ब्रेन से लेके नीचे तक आती है। आप देखो जी, ब्रेन से लेके जो नीचे तक स्पाइनल कॉर्ड आ रही है, स्पाइन हमारी बिल्कुल सीधी है और स्पाइन के एक एक मनके से हमारे सारे ऑर्गन जुड़े हुए हैं। तो जब आप मुर्गा बनते हो तो आपको ये फायदे मिलते हैं। अब इसके चलने के क्या फायदे वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मुर्गा बनने के फायदे समझते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, जैसे हम शीर्षासन करते हैं तो सारा ब्रेन का सर्कुलेशन, हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो ब्रेन की तरफ जाता है, तो वही सेम सारे फायदे आपको यहाँ भी देखने मिलेंगे। अब जो चेहरा है, मुर्गा बनने के बाद जो चेहरे पे ब्लड सर्कुलेशन आता है उसकी वजह से चेहरे में कांति आएगी, तेज आएगा। चेहरे पे अगर झुर्रियाँ हैं वो कम हो जाएंगी, चेहरे को रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है जैसे पिंपल है, दाग धब्बे हैं, काले घेरे हैं, वो खत्म हो जाएंगे। वो बच्चे जो लिथार्जिक हैं, बच्चे या बड़े दोनों ही कर सकते हैं, इसके सबको फायदे मिलेंगे। लिथार्जिकनेस खत्म होगी, आलसीपन खत्म होगा, मेमोरी तेज हो जाएगी, याददाश्त ऐसी हो जाएगी कि आप फोटोजेनिक मेमोरी हो जाएगी। तो इस तरीके से मुर्गा बनने कि हमारी जो पेल्विक मसल है, ये जो जांघों के बीच का जो एरिया है, ये मजबूत होगा, जांघें मजबूत होंगी। तो जो अपनी जांघें मजबूत करना चाहते हैं, टांगे मजबूत करना चाहते हैं, अपनी वर्क एफिशिएंसी बढ़ाना चाहते हैं, कार्य करने की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं, टांगों को मजबूत करना चाहते हैं, तो उनको ये मुर्गा बनने का बहुत फायदा है। 5 से 6 मिनट बन सकते हैं और 4 से 5 सेट तक लगा सकते हैं, मतलब डेली गैप कर करके आप 15 से 20 मिनट मुर्गा बन सकते हो। इसके चाल के भी बहुत फायदे हैं। तो अब चाल करने का क्या तरीका है कि जो मुर्गा बनने का तरीका उससे आप नहीं चल पाओगे, तो हमने इसको पेंगुइन वॉक बनाया है। इसमें आपने क्या करना है, इस तरीके से जो एड़ी के पीछे का एरिया है वो इस तरीके से पकड़ना है जैसे इन्होंने पकड़ा हुआ है। इसको करने के बाद आपने धीरे धीरे चलना स्टार्ट करना है। जब आप ये धीरे धीरे चलना स्टार्ट करोगे, हम कोशिश यही करनी है कि हिप एरिया हमारा ऊंचा रहे और ये सर हमारा नीचे की तरफ रहे, तो इससे क्या होगा, ये स्ट्रेस रिलीजिंग एक्सरसाइज है। आपको मेंटल स्ट्रेस है, टेंशन बहुत रहती है, वर्कलोड इतना ज़्यादा है कि आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इस तरीके से आप चल सकते हो इधर। तो ये चलने से आपकी वो बीमारियाँ जो किसी दूसरे तरीके से दूर नहीं हो रही हैं वो ऐसे दूर होने लगती हैं, और 5 से 10 मिनट में आप पूरी बॉडी की वो एक्सरसाइज कर लेते हो जो आपको पूरे जिम में घंटों वर्कआउट करके फ़ायदा मिलता है। तो ये आप कर सकते हो। इनको किसको नहीं करना है, जिनका BP हाई रहता हो उनको नहीं करना है, प्रेग्नेंट लेडीज़ को नहीं करना है, कमज़ोर लोगों को नहीं करना है, बच्चों को, माता पिता या टीचर जो जिनकी भी देखभाल में करें ये करना है। इसको सजा के तौर पे ना लें, इसको अपनी बॉडी के फायदे के तौर पे लाना है। आजकल बच्चों को ऐसी सजा नहीं दी जाती है, हमने ये सजा खूब ली और शायद इसीलिए हमारे फायदे भी हमें मिले हैं। तो इसका विशेष ध्यान रखें, मुर्गा बन के 10 कदम चल के अपनी 70 से अधिक बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। मेरा नाम मयंक पोरवाल है, मुझसे मिलने के लिए आप करना प्लस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।